कामठी रेलवे स्टेशन पर अपराधियों को भगाने के लिए मजबूर करने वाली बुकिंग लिपिक छाया जनबंधु द्वारा संपूर्ण जिले की महिलाओं तथा युवतियों का आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उनका यह कार्य काफी अभिमानास्पद होने की बात रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कृपाल तुमाने ने कही। वे छाया जनबंधु के सत्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उनके हाथों छाया जनबंधु का सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि विगत दिनों कामठी रेलवे स्टेशन पर रात करीब 3 बजे टिकट बुकिंग कार्यालय में कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट करने का प्रयास किया गया। इस समय बुकिंग कार्यालय में कार्यरत छाया जनबंधु को नशीले पदार्थ युक्त रुमाल सुंघाकर बेहोश करने का प्रयास किया गया। मार्शल आर्ट की कला से निपुण छाया ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना कर उन्हें भगाने पर मजबूर कर दिया। इस प्रयास में वह घायल भी हुई। इस घटना के पश्चात छाया ने ऐसी घटना समाज के किसी भी महिलाओं के तथा युवतियों के साथ न घटे, इसलिए छाया ने नागपुर शहर तथा नागपुर जिला ग्रामीण की सभी शालाओं महाविद्यालयों की छात्राओं को निःशुल्क आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाने का मिशन शुरू किया। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कृपाल तुमाने के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रंजना भस्मे, पूर्णिमा शेलारे, किरण लोखंडे आदि उपस्थित थी। छायाताई सारखं एक नेतृत्व जे आज त्यांच्यावरती 3-3 गुंडांनी हमला केल्यानंतर त्याचा सामना करून त्यांना पळून लावणे आणि एका स्त्रीने ही फार मोठी गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट या करता आहे की आपण बघतो नारीवरती सगळीकडे अन्याय होत असतो, परंतु त्या अन्यायाला आप सामोरे जात असताना त्याच्यावरती मात करण्याची कला छायाताईच्या माध्यमातून आज आपल्या या नागपूर जिल्ह्यातील सर्व आमच्या ज्या विद्यार्थिनी आहे विद्यार्थी आहे त्यांना ती कला आत्मसात होते आहे आणि ते निःशुल्क सर्व विद्यार्थ्यांना निःशुल्क ट्रेनिंग देतात आणि एक पिरियड त्यांचा घेतात। BCN न्यूज के लिए कामठी से बंडू नारनवरे की रिपोर्ट।